हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे। आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन जावा इंटरप्राइज एडिशन। ओके, एंड उस टेक्नोलॉजी कौन कौन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, सभी टेक्नोलॉजी हम इसके अंदर कवर करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बेस्ट स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज एन वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड वन इंटरप्राइज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड वेब सर्विसेज टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, एंड ये चार ही टाइप्स के टेक्नोलॉजीज के अंदर से उसमें से फर्स्ट देखते हैं हमारी दैट इज एन वेब टेक्नोलॉजी। ओके, तो चार कौन कौन से टाइप एक बार रिव्यू करते। फर्स्ट इज एन वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरप्राइज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, वेब सर्विसेज एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। फोर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो स्टार्ट करते हमारे फर्स्ट टेक्नोलॉजी से, दैट इज एन वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। सो हर एक टेक्नोलॉजी को हम इसके अंदर थोड़ा सा डीप में देखेंगे, इन द सेंस बेसिक ही देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर्स सिलेबस के अंदर कवर होने वाला है। सो बेसिकली क्या है उसके अंदर फंडा, थोड़ा सा ट्रिक की देखते हैं उसके अंदर ऊपर ऊपर से। तो फर्स्ट इज एन जावा सर्वलेट के इन अ वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज एन जावा सर्वलेट। तो जावा सर्वलेट क्या आता है? अ सर्वलेट इज एन प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ एन वेब सर्वर, कि हमारे वेब सर्वर की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के, वो किस तरह से एक्सटेंड करने। तो बेसिकली द सर्वलेट रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, देन डायनेमिकली जनरेट द रिस्पॉन्स एंड देन सेंड बैक रिस्पॉन्स टू एन एचटीएमएल। ओके, तो फर्स्ट क्या करेगा? रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, सेकेंड डायनेमिकली जनरेट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू एनी लॉजिक उसके ऊपर वो अप्लाई करेगा जो हमने प्री डिफाइन किया है। उस लॉजिक को हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे एंड सेंड बैक रिस्पॉन्स टू एन HTML पेज, और जो हमारे क्लाइंट का जो डॉक्यूमेंट पेज होगा इन द फॉर्म ऑफ XML HTML सेंड कर देंगे। ओके, तो दैट इज एन जावा सर्वलेट। ओके, तो जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी अलाउिंग डिफाइनिंग अ HTTP स्पेसिफिक सर्वलेट क्लासेस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? HTTP सर्वलेट क्लासेस इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड टेक्नोलॉजी दैट इज एन जावा सर्वर पेजेस, वी शॉर्टली कॉल्ड एज अ JSP। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू जनरेट अ डायनामिक कंटेंट फॉर एन वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट के ऊपर डायनामिक कंटेंट क्रिएट करने के पर्पज के अकॉर्डिंगली हम JSP यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या थे, जो स्टैटिक डेटा था, स्टैटिक टेक्नोलॉजी थी, जैसे लाइक उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें यूज करते थे, प्लेन टेक्स्ट बेस के अकॉर्डिंगली। तो HTML यूज करते थे, XML यूज करते थे, और VML WML यूज करते थे। थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक स्टैटिक डेटा हम यूज करते थे। उसको ओवरकम किया हमने JSP एलिमेंट्स टू इन्फॉर्म हाउ द पेज कंस्ट्रेन अ डायनेमिक कंटेंट, कि डायनेमिक हम कंटेंट किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे JSP एलिमेंट, ओके, JSP एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा नॉर्मल स्टैटिक पेज था उसको हमने डायनेमिक पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज एन JSTL। ओके, JSTL स्टैंड फॉर कि कहाँ पे यूज होता है, द JSTL इन द सेंस द इनकैप्सुलेशन फ्लो कंट्रोल। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना। द इनकैप्सुलेशन कोड फंक्शनैलिटी ऑफ एन JSP एप्लीकेशन, कि जो हमारे JSP एप्लीकेशन के अंदर इनकैप्सुलेशन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का काम है हमारा टैग लाइब्रेरीज करने वाला है। ओके, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ओके, प्रॉपर मैकेनिज्म हम समझ के लेते हैं। इनकैप्सुलेशन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स कंसेप्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। सो इनकैप्सुलेशन यहाँ पे क्या करे, ओके, बेसिकली जो हमारा कोड होता है, एक्चुअल जो कोड होता है वो हमें शो नहीं करना कोई भी लाइन के ऊपर,
हमें क्या करना है, उसका जो आउटपुट होगा ओके, जस्ट लाइक कि जो इनपुट लेंगे स्पेसिफिकली एंड उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या होगा उतना ही हमें यूजर को शो करना है। उसके लिए कौन सा लॉजिक यूज किया, कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसके कुछ भी हमें यूजर को पता नहीं चलना चाहिए। दैट इज एन एनकैप्सुलेशन, सिंपल। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ अ क्रिएटिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टैक। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टैक सेट ऑफ टैग क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, द इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग अ टैग फ्रॉम न्यूमरस वेंडर ऑफ एन जेएसपी एप्लीकेशन। जेएसपी एप्लीकेशन के अंदर हम नंबर्स ऑफ डिफरेंट टैग्स क्रिएट कर सकते हैं बाई मिक्सिंग अ टैग। प्रीडिफाइंड जो टैग होंगे या वेंडर ने डिफाइन किए टैग होंगे, दोनों को मिक्स करके भी एक जेएसपी एप्लीकेशन हम डिजाइन कर सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड अलाउ और डिप्लॉइंग एप्लीकेशन on any JSP server that support JSTN. एक स्टैंडर्ड टैग हो गए, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम डिप्लॉय करेंगे तो JSP server के ऊपर वो क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाले obviously. Then next, that is an JSP server faces. कि faces क्या है, तो JSP server faces is an user interface framework for building web application. Okay, the JSP faces is a user interface framework. Okay, framework के जो कैमरे के वजह से हाइड हो गए, the framework for binding a web application. Okay, जो web application है उसको bind करने के लिए, तो main component इसके अंदर क्या क्या आने वाले, तो first of all it is an GNU. Okay, GUI कंपोनेंट फ्रेमवर्क, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है प्रोवाइड करने का काम हमारा जावा सर्वर फेसेस यहाँ पे करने वाला है। सेकेंड क्या काम करने वाला है, द फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल फॉर रेंडरिंग कंपोनेंट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटीएमएल एंड डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का टास्क हमारे करने वाला है, जैसे कि डिफरेंट एचटीएमएल एंड जो भी मार्कअप लैंग्वेज है एक्सएमएल WML मार्कअप डिफरेंट लैंग्वेज, इनको को रिलेशन करने के लिए, रेंडरिंग करने के लिए हम यहाँ पे जावा सर्वर फेसेस यहाँ पे यूज करने वाले। एंड देन लास्ट, दैट इज एन स्टैंडर्ड, कौन सा किट इसके लिए यूज करने वाले, स्टैंडर्ड रेंडरिंग किट फॉर जनरेटिंग HTML 4.01 मार्कअप हायर मार्कअप। ओके, जो मार्कअप लैंग्वेज है उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर होगा, दैट इज एन 4.01 के उससे अबाव होगा, तभी हम जावा सर्वर फेसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते। देन लास्ट वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज एन फेसलेट्स। ओके, तो इट्स रेफर टू एन जावा सर्वर फेसेस व्यू डेफिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क विच इज अ पेज डायरेक्शन पेज डेवलप फॉर यूज विद जावा सर्वर फेसेस टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे क्या है, व्यू डिक्लेरेशन लैंग्वेज हम यूज करेंगे, जो इंट्रोड्यूस किसने किया, इंट्रोड्यूस इन अ जावा सर्वर फेसेस अलाउ अ डिक्लेरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट इन अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी। ओके, फेसलेट कॉमनली हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूअर डेटा। सो दैट इज एन फेसलेट इज अ बिल्ड स्पेसिफिकली जावा सर्वर फेसेस, जो जावा सर्वर फेसेस के अंदर ही डिफाइन किया है, फॉर एन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रेजेंटेशन के, प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए हम फेसलेट्स यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देन सेकेंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखते हैं, दैट इज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इसके अंदर भी सेम 1-2 टेक्नोलॉजी दिए गए। तो फर्स्ट इज एन जावा बीन्स। ओके, इंटरप्राइज जावा बीन, द इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट is an enterprise bean having the method to implement a module of an business logic. Okay, second क्या है इसके अंदर, enterprise application के अंदर जो business logic हमें build करना है उसके accordingly जो modules हमें required होगा वो modules हम यहाँ पे enterprise Java bean के अंदर create करेंगे, so that is they are scalable, transactable, secure and a building block of an enterprise application रनिंग ऑन जावा EE सर्वर। कि क्या क्या होने वाला है, ये सिक्योर है, ट्रांजिशनल है एंड स्केलेबल है एंड
किसके लिए सब यूज होने वाले हैं? फॉर एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए हम ये सारी चीजें यूज करने हैं। प्लस ए रनिंग कहाँ पे रन होने वाला है? रन ऑन जावा ईई सर्वर के, इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है, उसके डिफरेंट टाइप्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल पर्पज भी हम इसको देखने वाले। देन सेकेंड कि इसके लिए हम कौन से प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, जैसे कि RMI रिप्रेजेंटेशन एंड HTTP SOAP RESTful वेब सर्विस, डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल से यहाँ पे हम यूज करेंगे। सेकेंड इज एन जावा परसिस्टेंस API, JPA, जावा परसिस्टेंट API। इट इज एन जावा स्टैंडर्ड बेस्ड API फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल API इन द सेंस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मैप करने के पर्पज के वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज एन API परसिस्टेंट। ओके, अ सॉल्यूशन फॉर अ परसिस्टेंट और अ परसिस्टेंट यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैपिंग अप्रोच टू अ ब्रिज गैप बिटवीन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड रिलेशनल डेटाबेस, जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए। जैसे कि हमारा वेब सर्वर एंड डेटाबेस, ओके, वेब पेज एंड डेटाबेस के अंदर जो गैप होगा उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के पर्पस के वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे JPA। ओके, API हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते दैट इज एन जावा ट्रांजिशनल API। ओके, तो ए क्या काम करेगा? द ट्रांजिशनल API प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर ड्रीम क्राफ्टिंग अ ट्रांजेक्शन। इट इज एन आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट एटो कमिट टू हैंडल अ ट्रांसमिशन कमिट एंड रोल बैक। ओके, दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन हमने देखे, फर्स्ट इज एन कमिट एंड सेकेंड इज अ रोल बैक। कमिट इन द सेंस स्पेसिफिक क्वेरी हम फायर करते हैं तो देन एग्जीक्यूशन एज एन कमिट, एंड इफ हमें उसको रिवर्स करना है, ओके, कोई भी क्वेरी हो सकती है, एड, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ओके, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट है उसको हमें रिवर्स करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इफ हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो हमने इंसर्ट किया तो डिलीट करेंगे, डिलीट किया होगा तो अगेन इंसर्ट करेंगे। सो जो हमारा SQL है उसके अंदर प्री डिफाइंड क्वेरी है, दैट इज एन रोल बैक। बाय यूजिंग अ रोल बैक क्वेरी कि जितने नंबर ऑफ टर्म आपको रिवर्स जाना है कि इन द सेंस जो अंडू प्रोसेस होती है वो अंडू प्रोसेस इसके अंदर हो जाएगी, दैट इज एन जावा ट्रांजेक्शन API हम यूज करेंगे फॉर एन कमिट एंड रोल बैक कमांड और ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट इज एन जावा मैसेज सर्विसेस। इट इज एन सिंपल मैसेजिंग स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी अलाव अ जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन के अंदर इफ हमें मैसेज ट्रांजेक्शन करना होगा, मैसेज सेंड करना होगा, लाइक वन यूजर टू अनदर, कि किस तरह से कर सकते हैं, तो फोल्ड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट क्रिएट, सेंड, रिसीव एंड रीड। ओके, सो फर्स्ट एक क्लाइंट क्या करेगा, मैसेज को क्रिएट करेगा, देन सेंड कर देगा, सेंड करने के बाद सेकेंड क्लाइंट क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा एंड रीड करेगा। ओके, सेम देन अगेन वो सेकेंड क्लाइंट क्या करेगा, उसको रीड क्रिएट करेगा, सेंड करेगा, देन सामने वाला उसको रिसीव करेगा, रीड करेगा, सेम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। सो दैट इज एन जावा मैसेज सर्विस। देन नेक्स्ट इज एन जावा ईई कनेक्टर आर्किटेक्चर। ओके, दिस इज अ यूज बाय अ टूल्स वेंडर एंड सिस्टम इंटीग्रेटेड टू क्रिएट रिसोर्सेज एडाप्टर एक्सेस टू एन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन बी प्लग इन टू अ जावा ई प्रोडक्ट। तो फॉर एन कनेक्शन पर्पज, जस्ट लाइक वी यूज अ डिफरेंट कनेक्टर, जो हमारे वेब पेज एंड डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले, तो वी आर द डिफरेंट कनेक्टर, तो सेम देयर आर द डिफरेंट कनेक्टर आर्किटेक्चर टू कनेक्ट डिफरेंट थिंग्स। लास्ट इसके अंदर जावा मेल, जैसे कि हमने मेल मैसेज सेंड किया था तो सिमिलर फॉर मेलिंग पर्पज, जो ईमेल्स, ओके, या इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स होते हैं उसको फॉरवर्ड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा मेल्स यहाँ पे
जो मेथड से जो टेक्नोलॉजी हो यहाँ पे यूज करेंगे. देन नेक्स्ट दैट इज एंड वेब सर्विस टेक्नोलॉजी. वेब सर्विस के अंदर दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हमें को देखने को मिलने वाले. तो फर्स्ट इज एन सोप एंड रेस्टफुल. सो क्या टास्क है इनका? तो जावा प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ सोप एंड रेस्टफुल वेब सर्विस, वेयर अ रेस्टफुल वेब सर्विस इज डिफाइन अ एपीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन वेब सर्विस अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर स्टाइल. ओके, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ऑफ ट्रांसफर के REST, ये हमारा रेस्ट का फुल फॉर्म है, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ एन रिप्रेजेंटेशन. एंड सेकेंड जावा API फॉर XML बेस्ड वेब सर्विसेस. इट इज एन सिंपल ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल. सो ये क्या करेगा, जो सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा टू एन HTTP, तो ये टास्क कौन करेगा? हमारा यहाँ पे SOAP परफॉर्म करने वाला है. देन नेक्स्ट इसके अंदर दैट इज एन JRX. ओके, तो जावा API फॉर एन XML रजिस्ट्री, तो बाय यूजिंग एन जावा API. ओके, इट्स अलाउ एक्सेसिंग बिजनेस एंड जनरल पर्पज रजिस्ट्री ओवर द वेब. कि जनरल पर्पज रजिस्ट्री क्रिएट करने के लिए एंड जो हमारे बिजनेस पर्पज टेक्नोलॉजी उसके अंदर अलाउ करने के लिए हम जावा API एंड XML रजिस्ट्री यहाँ पे यूज करने वाले. नेक्स्ट इसके अंदर टेक्नोलॉजी दैट इज एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी. इन अ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी देयर आर फर्स्ट कंस्ट्रेंट दैट इज एंड जावा ऑथराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन कंटेनर्स. ओके, इट स्पेसिफाई डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जावा EE एप्लीकेशन एंड द सर्वर्स ऑथराइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर. कि जो पॉलिसी प्रोवाइड करने वाला है ना हमारा जो सर्वर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे JCC ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करें. ओके, जावा ऑथराइजेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन कंटेनर. इट्स अनेबल द सर्विस टू ऑथराइज एंड इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल अपॉन द यूजर एंड जावा EE कंटेनर सपोर्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो क्यों यूज करते हैं हम? फॉर एन ऑथराइजेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एन एक्सेस कंट्रोल. फॉर एन एक्सेस कंट्रोल हमें मिलने के लिए एंड ऑथोरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए हम JACC यहाँ पे यूज करते हैं. देन लास्ट पॉइंट इन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और इन अवर प्रेजेंटेशन दैट इज देन JASPIC, जावा ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस फॉर एन कंटेनर. इज स्पेसिफाई डिफाइन अ सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस जस्ट लाइक SPI सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस बाय विच द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दैट इम्प्लीमेंट अ मैसेज ऑथेंटिकेशन मेकेनिज्म मे इंटीग्रेटेड क्लाइंट और सर्वर मैसेज प्रोसेसिंग कंटेनर एंड रन टाइम. स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, ओके, सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके पास एक इंटरफेस हम प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग एन कंटेनर दैट इज एन JASPIC. ओके, तो इसके एक स्पेसिफिक इंटरफेस प्रोवाइड होगा हमारा सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पता चलेगा कौन कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करें एंड कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करें. देन उसको ये भी पता चल जाएगा उसके थ्रू कि कौन कौन से यूजर्स सर्विस को एक्सेस करें कौन से यूजर्स सर्विस को एक्सेस नहीं करें. ओके, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर होने वाली है. तो उसके अकॉर्डिंगली जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चेक करेगा कि जो भी लॉग इन कर रहे हैं हमारे सर्वर के अंदर वो ऑथराइज पर्सन है या अनऑथराइज पर्सन है एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा या परमिशन होगा उसको प्रोवाइड करेगा. ओके, यहाँ तक कोई डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन के कुछ भी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इसको लाइक कर सकते हो, बाकी के जो दोस्त है आपके उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड सिमिलर टाइप्स के वीडियोस के लिए एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.